श्योपुर जिले में विजयपुर उपचुनाव को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस भाजपा अपने बयानों से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जवान को खतरा बताते हुए पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार जैन से शिकायत करते हुए सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की है। कांग्रेसियों का आरोप है कि चुनाव में विपक्ष के द्वारा क्षेत्र में भय का माहौल बनाया जा रहा है और वह चुनावों में मतदाताओं को डराने के लिए डकैतों को बुलाने के आरोप भी कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी पर लगाए हैं। इसके साथ ही मुकेश मल्होत्रा को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी की गई है। हालांकि कांग्रेसियों की मांग को लेकर SP वीरेंद्र जैन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है और निजी सुरक्षा की जरूरत है तो सुरक्षा के लिए नियम अनुसार जो भी संभव हो सकेगा वह उपलब्ध कराया जाएगा। मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अतुल सिंह चौहान का कहना है कि जिले में सर्वाधिक क्षेत्र पर जंगल है। विपक्ष के द्वारा जब से विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू हुई है तब से क्षेत्र में भय का माहौल बनाया जा रहा है। पूर्व के चुनाव में विपक्ष के लोग डकैतों को बुला चुके हैं, इससे हमारे प्रत्याशी को किसी भी तरह की हानि यह लोग पहुंचा सकते हैं। इस वजह से हमने SP और ASP साहब से मुलाकात करके मुकेश मल्होत्रा की सुरक्षा की मांग की है। देखिए, विधानसभा विजयपुर का उपचुनाव डिक्लेयर हो चुका है और वहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुकेश मल्होत्रा जी को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। आदिवासी नेता हैं, सेरिया जनजाति से आते हैं और पूर्व में भी वो चुनाव लड़े थे, तब उनके 45,000 वोट निकले थे वहाँ पर। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को भय उन उम्मीदवार से, हमारे से कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो वातावरण ये है कि वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रावत जी, वो पूर्व में जब चुनाव लड़े हैं तो उन्होंने पूर्व में, आपने देखा होगा मीडिया चैनल के माध्यम से तमाम जगह ये खबरें चली थी उस टाइम पे कि जगन गुर्जर जो डकैत हुआ करते थे उनके, उसमें उनके पर्चे बरामद हुए थे उनकी गाड़ी के अंदर। तो निश्चित रूप से अपराधियों के और डकैतों का वहाँ पर मदद लेते रहे हैं वो उम्मीदवार। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इस बात का विरोध जताया है और तत्काल हमने रात में SP महोदय वीरेन जैन जी को जाकर के जिला कांग्रेस कमेटी का ज्ञापन दिया है कि हमारे उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा जी को तत्काल संपूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि विजयपुर विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहाँ वन क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, घना वन क्षेत्र है। हमारा उम्मीदवार लगातार वहाँ भ्रमण पर है, उनकी लोकप्रियता और उनका कार्यों को जनता सराह रही है, कांग्रेस पार्टी वहाँ जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से उनको कहीं भी कोई किसी भी तरह का उनको जाल माल का नुकसान ना हो, इसके लिए हमने वीरेन जैन जी से मुलाकात की है और उनको तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने की हमने मांग करी है।